हाँ चला जोर से आप पूरी ताकत लगा के, हाँ और जोर से, हाँ लगा पूरी ताकत लगा, हाँ और तेजी से, जोर से, पूरी ताकत लगा जोर से, सिर में घुस झगड़ो उस कुत्ते के साथ में। خلقه محمد ولصحابه اجمعين برحمتك ارحم الراحمين جھگڑا اس کو اندر سے اور تیزی کے ساتھ میں آگ لگا اس کے اندر سے ہاں چل رہے لگا پوری طاقت لگا زور سے ہاں جھگڑا اس کو اور تیزی سے हाँ चल लगा और जोर से पूरी ताकत लगा आग लगाओ उसके सर में से भी आग लगाओ अंदर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा فأتصرف والرزا عالم الغم الشهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم إني أحد إليك في حاضرة لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني الله نفسي وعينك تكلني الله نفسي تقربني إلى الشيطان فلا لا تقبل الله رحمتي فجعلني عندك أحدا تغفر عندك أحدا تغفر لا يوم القيامة إنك لا تخلف المنزل صلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ها جكرو उसके अंदर से आग लगाओ काट के लेंगे उसको चल रे लगा पूरी ताकत जोर से हाँ लगा जोर से और जोर से मेरे पैर में का मट्टी लगो मेरे हाथों को करे हाँ कौन नहीं करे मेरे का क्या नाम है पेशेंट का मधु हे कैमरा पकड़ मधु का क्या लेकर गए थे जोर से बोल मेरे पैर में का मट्टी लेकर गए अच्छा कितना वक्त होगा मधु के पैर के नीचे का मट्टी ले जाकर हाँ कितना वक्त कितना जोर से बोल अठारह साल आठ साल हाँ जोर से बोल मेरा मट्टी से करे जी मेरा खपसान में करे अच्छा शमशान से जादू कराए कहाँ से करे शमशान से अच्छा ये मधु को किस चीज में मिलाकर खिलाए थे क्या था वो दाल चावल सालन रोटी क्या था कब्रस्तान में करे मेरे आंखों को करे कब्रस्तान से करे दुश्मनी क्या थी वो करने की ये मेरे अम्मा बाबा के लिए उनके लिए मेरे को काटे थे हाँ मधु को जादू कर रहे हैं सो दुश्मनी क्या थी वो लोग किधर के थे इसके मायके के थे ससुराल के तरफ के थे हाँ किधर के थे हमारे मायके के मधु के मायके के तरफ के दूर से रिश्तेदार के और था आदमी दोनों मिले आले हैं आदमी करा जी आदमी करा क्या नाम है वो आदमी का उनका नाम जीतू तारा जी क्या नाम है जीतू क्या है जीतू जीतू कौन से गांव को रहता वो औरत में रहता हाँ औरत में अच्छा जकड़ो उसके हाथों को और तेजी के साथ में जकड़ के लो हाँ और उसके साथ कितने मिले आले हैं अच्छा और एक सवाल मधु के मर्द को भी करे क्या कमाई दमाई नहीं लगना परेशान रहना किरकिरे होना बोल के और सवाल हाँ जी उनको भी करे उसका क्या लग गए थे जादू करते वक्त वो अच्छा नहीं दिखाया लोगों को अच्छा करता था ना वो नहीं दिखाया अच्छा उसका कमाई अच्छी नहीं दिखी लोगों को जल को पूरा बर्बाद कर दिए
मधु को कब मारने का था अमावस्या में पूनम में? ऐसा गला गला के बीमारी डाल के सड़ा के मारने का था? खत्म करने वाले थे अमावस्या में पूनम में, वो नहीं मालूम होगा। झगड़ो उसको और तेजी के साथ में। मेरा सिर उठ गया। झगड़ो उसके सिर में से और आग लगाओ। सिर बराबर नहीं रहना और को करे। मेरा सिर अच्छा नहीं रहना और को करे। लाओ उसके सिर में से और आग लगाओ। जला देंगे ना फिर तुझे, तुझे निकलने का ऑप्शन काहे देंगे बे, जला के राफ कर देंगे। बोल। उसके दांत दिख रहे हैं। हाँ। उसके आँख दिख रहे हैं। अच्छा। उसके इस कल को आँख बड़े बड़े दिख रहे हैं। अच्छा पिशाच है नाला अब तो। उसका खून भी पी रहा था क्या मधु का दांत गड़ा कर गर्दन में से? हाँ? हाँ? हाँ। मियाँ बीबी झगड़े भी लगा रहा हूँ फिर बहुत ज्यादा। मार को बाद में मधु को साथ में ले जाने वाला था क्या रे तू? हाँ कमबख्त जलो उसको झगड़ के लो। जलाओ उसको अंदर से, मार मार के आग लगाओ और उसके दिमाग में से पेट में से जहाँ जहाँ बैठा लो सब बाहर निकाल के लगाओ उसको, उल्टियों में जुलाबों में जैसा निकालना वैसा। जा रे छोड़ के उसको, निकल जल्दी। बाकी तुझे नालायक मार मार के खत्म कर देंगे हम सब अगर दिखेगा दोबारा तो। समझ गया ना? कितने साल से सता रहा था उसको? कैमरा नजीक ला रहे हैं। कितने साल से? जा छोड़ उसको, अभी निकल, अभी निकल, अभी निकल। समझ गया ना? दोबारा दिखना नहीं मुझे, अगर दोबारा आऊंगा दिखना तो इससे खतरनाक मार के चला दूंगा। चल अभी तुझे मौका दे रहे निकल के जाने का, चल जा छोड़ उसको। आ गया पानी पिलाओ उनको। अरे हाँ अभी लाओ। अरे मधु भाई पानी पिलाओ। और क्या हमारा दिमाग चुप रहे हैं? ये जो मसला है ऐसा खुद ब खुद लगे वाला नहीं है। वो बोल रहा ना लाकर खिलाकर दादे को दुश्मनी थी कि एक्स वाई जेड जो भी थी तो ऐसा करके अमल करके कर दिए। और क्या करे, तकलीफ क्या लगा दी सर की तकलीफ।
बलाएं सब अलग अलग किस्म के रहते हैं। पिशाच नामक जो खबीज बला रहती, वैम्पायर भी जिसको बोलते हैं, और वो भी तुम्हारे क्या पिशाच, उसके दांत थोड़े बाहर निकले वाले रहते हैं और बाल थोड़े बड़े रहते हैं, और बहुत बदमाश रहता है वो, खून पी कर गर्दन से इधर से कहीं दाँत गड़ा कर पीता और पेशेंट को सर के अमराज में मुबतला कर देता है। क्योंकि गर्दन दुखती या सर दुखता बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, बार बार टैबलेट लेने के बाद, बार बार ट्रीट करने के बाद तुम राइट नहीं हो रहे, तो फिर वो दूसरे दुनिया का वार रहता भाई। मैं बार बार बोलता हूँ ना, सर दुखा तो पेट के दर्द की गोली नहीं खा सकते, दिल में दर्द हो रहा तो पैर के दर्द की गोली वो नहीं खा सकते, हड्डी के दर्द की, तो सबके अलग अलग फैकल्टीज है, अलग अलग उसके माहिरीन हैं, उनके हिसाब से लेना पड़ेगा। डॉक्टर नाम है किसी, मगर उसमें हज़ारों किस्म के अलग अलग डॉक्टर रहेंगे ना भाई, स्किन का अलग, हेयर का अलग, हर डिजीज़ का अलग, तो वैसे हर बीमारी के लिए अलग अलग होगा ना। तो वैसे ही अमलियात भी जो रहेंगे तुम्हारे रूहानियत पे वार रहती है जादू टोने के। रूहानी तुम्हारी बीमार है तो तुम्हार को शरीर पे की दवा रूहानी को कहाँ से कार करी, वो अलग मामला है ना। रूहानियत के अमलियात क्यों बोलते थे, रूहानियत पे वार होते और असर जिस्म पे जाहिर होते उसके, ये रहता जादू टोना। फिर हम जिस्म को मलम लगाते बैठते, गोलियाँ खाते बैठते, तो वो राइट नहीं होता ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका अमराज ही नहीं, रूहानियत से राइट करना होता, उसकी तबीयत है, उसके प्रोफेसर भी तो अलग है ना दुनिया में। ये बात और है कि अभी वहाँ तक साइंस नहीं पहुँचा, अभी स्टेप बाय स्टेप तरक्की होते होते होंगी ना भाई। एक दिन तुम बोल देंगे कि साइंस ने हर चीज़ का खुलासा कर देना, तो एक दिन में कहाँ से खुलासा करेगा। साइंस का मतलब ही जो खोज, अभी खोज होंगी ना होते होते। जैसा पहले ज़माने में लोगों को पता नहीं चलता था तुम्हारा बीपी कितने लेवल पे है, शुगर कितने लेवल पे है, पता नहीं चलता था। शुगर नापने की टेस्टिंग की मशीन बनी तो पता चला, अल्लाह वाला भाई अजाम हुई। और बीपी नापने की मशीन बनी तो तुमको पता चला कि बीपी नाप से इतने लेवल पे बीपी है। वैसे ही जिस दिन रूहानी को नापने वाली मशीन बनी है टेस्ट करने वाली, तो फिर तुमको पता चलेगा अखल के अंदर के जादू टोना कितने लेवल पे। जब तक जादू टोना कैसा पता चलेगा। आज से मैं 100 साल पीछे जाकर लोगों को बोलता था तुम्हारा बीपी कितना है, तुम्हारा शुगर, तो लोग बोलते थे क्या मेंटल हो गया क्या, ये शुगर क्या रहता, ये बीपी क्या रहता, अरे बीपी को नापेंगे कैसा और उसको मापेंगे कैसा। तो ऐसा नहीं रहता ना, जहाँ उसकी मशीन जब खोज होके बनी तो पता चला इतने इतने लेवल पे। तो जहाँ और अजा हो रही है, अजा के बाद बोलता है स्टॉप कर। तो वैसे हर चीज की एक वो है, जहाँ खोज हुई वहां से उसका पता चला। उससे पहले तो तुम वैसे ही जो बोलेगा हकीम नाड़ी पकड़ के, तो तुमको मानना पड़ता था। बाद में टेस्ट वहाँ आए, बाद में रिपोर्ट आ निकले, बाद में हदीस में तो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए कि शैतान तुम्हारे खून के अंदर दौड़ता। तो आज हम आपको पता चल रहा है, आज टेस्ट की रिपोर्ट आ निकाल रहे हम, आज उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचा साइंस, खोज हुई। साइंस बोले तो कोई धर्म नहीं है रे बेवकूफ हो, साइंस बोले तो खोज। और सबसे बड़ा साइंस है कुरान, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले मशीन बना के देने वाला जाबिर बिन अय्यान, दुनिया में सबसे पहले आँख का ऑपरेशन करने वाला मुसलमान, दुनिया में सबसे पहले क्या बोलते तो तुम्हारे ज्योग्राफिक बना के देने वाला मुसलमान, हर चीज क्या बोलते तो सब दिया मुसलमान। उनको पूछे थे भाई तुमने कहाँ से बना के दिए, सब जितने भी मेन मेन चीजों के साइंसदान है उन सबको पूछे, तो देखो ना उनकी थेरीज पढ़ो ना तुमको पता चलता। उन्होंने बाद में लास्ट में बताया हमने कुरान से पढ़ के उस हिसाब से उस पर फॉलो करके बनाए थे। तो अंदर हर राज और हर बात बता दिया जी, पहले ही बता दिए कि खून में शैतान दौड़ता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए, और हम आपको आज पता चल रहा, आज आज साइंस आया। और उस जमाने में तो लोग बोलते थे मेरे खून में शैतान कैसे दौड़ेगा, तुम्हारे जैसे ना मानने वाले नालायक गधे, बड़े बड़े क्या बोलते ढाई अक्षर का क्या बोलते काला अक्षर भैंस बराबर, वैसे गधे तुम्हारे अखल मठ हो गए वाली है ना, तुम आपको जितना पढ़ा है उतना समझ रहा, आगे तुम्हारा दिमाग चल रहा नहीं, दिमाग चलेगा तो पता चलेगा, खोजूंगी ना, खोज होने के बाद उसको बोलते साइंस खोज। तो बता दिए थे 1400 साल पहले तुम्हारा खून में शैतान दौड़ता, जब भी तो लोगों ने बोले होंगे ना तुम्हारे जैसे काले अक्षर भैंस बराबर वालों ने, खून में कैसा दौड़ता शैतान, कैसा दौड़ेगा खून, कहाँ से दौड़ता तुम्हारा को। तो आज टेक्नोलॉजी पहुंच गई वो लेवल पे, आज खून के टेस्ट निकले, आज वो लेवल तक आए हम, तो हमको पता चला कि वाकई में खून के अंदर तो शुगर दौड़ता, बीपी दौड़ता, हर चीज खून के अंदर दौड़ती। पता नहीं और कौन कौन से बीमारियां, मैं नामा तो नहीं लूंगा बीमारियों के, तो उतने सारे बीमारियां क्या बोलते तो खून के अंदर दौड़ते, वो बाद में पता चल रहा तुमको, आज ये दौर में पता चल रहा। तो वैसे ही भाई आने वाले दौर में जिस दिन पता चलेगा तुमको, वो नापने वाली मशीन बनेगी, क्या नापने वाली, वो बुलेट को टेस्ट करने वाली मशीन बनी, तो पता चला कि हाँ बुलेट में हर चीज दौड़ रही, बुलेट में शुगर दौड़ रहा, बुलेट में प्लेटा दौड़ रहे, व्हाइट प्लेटा दौड़ रहे, हर चीज दौड़ रही।
वजी शैतान मुदब्बर हो गई पत्थर की लकीर सीधी है बात है। कुरान और हदीस है सब साइंस जो असल जदीद और असल क्या बोलेंगे तुम्हारे खुद सब पढ़ के कुरान से ही सीखी दुनिया बहुत सारे बातें बहुत मैं बयान नहीं कर सकता मैं क्या बोलूं मेरे जबान से तुम पढ़ो तुमको रिसर्च करो तो पता चलेगा ना भाई। फिर एक बात और एक तो वैसे ही आगे जब रूहानी को नापने वाली टेस्ट करने वाली मशीन बनी तो जब पता चलेगा कि हाँ कि है और रूहानी भी कुछ है और ये लेवल तक है उसके ऊपर तो जब हटेगा वरना वैसे कैसा पता चलेगा। बहुत सारे राज बहुत सारे बातें मैं क्या बोलूँ मेरे को बोलने को तुमको अल्फाज में नहीं मिला तुम काले अक्षर भाई से बराबर हो गए लोगों। हाँ हाँ बार बार मैं एक बात बोलता हूँ कि जिसपे बीतती उसको ही पता चलता दर्द जिसको होता जख्म जिसको होता दर्द भी उसको होता दूसरा बाजू वाला बैठ के खाली एहसास कर मलाल कर सकता एहसास नहीं कर सकता एहसास सिर्फ उसको होता जिसको बार बैठती तो उसको पता चलता। अभी मैं तुमको खींच के एक लकड़ी से कैसे भी मारूंगा तुम्हारे आंख पे जरब लगाऊंगा तो वल तुमको उतरेगा वल सबको दिखेगा या नहीं भी उतरेगा वल मुक्का मार बोलते वैसा भी लग जाएगा मगर दर्द तो तुमको होगा दूसरा खाली का मलाल करेगा बैठ के अरे मार लगा क्या ठीक है हम देता मगर दर्द ले नहीं सकेगा और दर्द को महसूस नहीं कर सकेगा महसूस तो तुमको ही होगा ना भाई। तो वैसा ही ये भी वार है और ये बहुत अलग अमल अमलियात है बहुत अलग दुनिया है और मैं बयान नहीं कर सकता इतने राज हैं मैं मेरे जबान से क्या बोलूं बे सामने लाकर पूछा दिया ना तुम देख लो ना खुद और यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा। और एक बात कि ये यहाँ से अल्लाह के कलाम की ताकत है और कलाम इलाही के सामने सारे शैतान बुलाए सब से कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे हाँ और यहाँ ऐसा नहीं रहता मेरे पास में कि हिंदू नहीं आना मुसलमान ही आना ऐसा कोई जातिवाद भेदभाव नहीं है। मैंने हजारों मुसलमानों को भी राइट करा हजारों क्रिश्चियनों को सिखों को ईसाइयों को हिंदुओं को जय भीमों को मातम को हर वो इंसान को मैंने राइट करा नेट के ऊपर देख लो क्योंकि मैं इंसानियत से मोहब्बत करने वाला सूफी मूवमेंट को फॉलो करने वाला असल मुसलमान उसको ही बोलते असल कुरान और हदीस पे चलने वाला जो सबको लेकर चले कितने फसाद करने वाला मुसलमान नहीं रहता। बहुत सारे बातें हैं क्या बोलूं उनको अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ तुमने इतने सालों में लोगों को बताए इलाज वालों को बताए स्वामियों को महाराजों को सबको बताए स्वामिया और महाराजों के किसके सामने हाजिर होके या कोई मौलाना के उन्होंने सवाल जवाब करा क्या? नहीं नहीं करा नहीं आज तक किसी के सामने कोई भी नहीं बोला आज तक किसी के सामने आके नाम बोला क्या कौन डाला तो नहीं बोला कितने साल से फिर रहे थे 4 साल से फिर रहे थे और टोटल 8 के 7 साल से परेशान ही बोल रहा था मैं और एक बात खाली दरगाह को गए तो होता था क्या हाजिर कितना होता था बोल रहे थे तुम ये 3-4 बार से बोलता था चलो चलो बस इतना बोलता था नाम तो कहीं नहीं बोला नहीं नहीं क्या मामला कर उन्होंने सब जगह गए कहीं हाजिर होकर नाम नहीं इधर से कैमरा कहीं हाजिर होकर नाम नहीं बोला और यहाँ यहाँ आने के बाद में सामने नाम भी पूछा मैंने और उसको सही तरीके से पकड़ने में लेके बताया। और देखो लोगों ये ताकत रही थी अल्लाह के कलाम की और दूसरी बात क्या बोलते तो हम मैं क्या बोल बोलने मेरा नाम अल्फाजी जी नहीं है सिर्फ इतनी बात बोलूंगा तुम्हारे को कि देखो सब तरफ गए कहीं नाम नहीं निकला सबने खुद के मुंह से इलाज वाले ने बोला मगर शैतान हाजिर नहीं हुआ गिनता नहीं किसी को जहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है वहां उसको आना पड़ता और सब बयान करना पड़ता क्योंकि उसके अल्लाह कलाम इलाही के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं शैतान की इब्लीस की इब्लीस के साथियों की लूसीफर की किसी की कोई हैसियत नहीं कोई औकात नहीं कलाम इलाही। और एक बात बस यही बोलूंगा मैं कि लोगों इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम लो इबादत की राह को मजबूती से थामेंगे तो तुम आई पूछ लेंगे बाकी मैं क्या बोलूँगी तो बोलने को अल्फाज आने चलो रोक लो। यहाँ अंदर अभी जो भी सवाल हुए मेरे साथ कुछ याद है कि क्या हुआ तुम आते जोर से बोलो नहीं याद नहीं तुम बोलो हिंदी में उनको हिंदी नहीं आ रही इनके साथ क्या हुआ तो इनको पूछो याद है क्या इनको बोलना तुमको याद है क्या पूछते पहले है ना आगे खुना था नहीं जो भी यहाँ पर बला आती हाजिर होती तो बहुत सारे पेशेंट को याद नहीं रहता अंदर आने के बाद हुआ क्या और क्या नहीं उसको मालूम रहता मैं अंदर आके बैठा खाली तुम्हारे सामने बैठा और अभी भी बैठे वाला हूँ कुछ भी नहीं हुआ नॉर्मल जैसा तुम ऐसा अभी बैठे वाले नॉर्मल लेकिन उसको ये नहीं मालूम रहता कि यहाँ आधा घंटे में इससे कई सवाल जवाब हो गए कई बातें हो गए कहीं उसको पकड़े हाजिर हुआ सब बातें उसको कुछ भी याद नहीं रहता पेशेंट को। देखो लोगो अब बोलो ये कौन सा पाखंड है और ये कैसा वो है बाता कर रहा बैठ के वो टपरा हाँ क्या देखा रहा तूने पाखंड
नाला साले लूसीफर की पूजा वो करने वाले मानने वाले, तेरे लूसीफर की भी एक आंख फोड़ देंगे तेरा, वो भी कर देंगे क्या बोलते तो तुम जमीन में गाड़ना, शैतान के पुजारी, शैतान की पूजा कर रहा तू नाला, ईश्वर को अल्लाह को छोड़ के वही हर धर्म का निचोड़ नहीं करता, सारे धर्मों के ग्रंथा पढ़ लो लास्ट में सब धर्म का निचोड़ ये निकलता कि वो एक ईश्वर है परमात्मा है जिसने सारे आत्माओं की रचना रचा है, उसकी इबादत तुमको करना है, भले ही तुम अभी थोड़े भटक के जाके कर रहे होंगे मगर उसकी ही करना, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और तू बोल रहा कि लूसीफर भी करो डायरेक्ट बैठ के वहां से, तेरे बाप का राज चल रहा है और अल्लाह के कलाम को इबादत करने वालों को ढूंढेगा, बोल रहा क्या ढूंढ देगा तूने, देख लाइव में देखा क्या सामने पेशेंट को याद भी नहीं है क्या हुआ और क्या सवाल जवाब चले और क्या दास्तान है, तो ऐसा करता। ये जो बातें हैं कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उसके बंदों की हिफाजत करे और सबको नेक राह पर और एक राह पर और हिदायत, अहदिना सिरातल मुस्तकीम की राह पर चलने की हिदायत दे। चलो रोको।